राम जी, तुम्हारे तुम्हारे आने से हर ये जा रहा है ना रोड ईट भट्टे के पास, यही पहले थी नहीं रोड। ये नमस्ते। आते थे ना इधर, ये घर तो तब से वैसे ही है, जब से मैंने तो देखा है तब से यही है। यही टाइल वाइल लगे हुए गाँव में, और कहीं नहीं दिखते थे। ये कब पक्का हुआ था? पहले से पक्का? कब से पक्का? मतलब मतलब 70 की 80 या फिर 70s में, उसके पहले कच्चा था? नहीं 70s नहीं, 60s कच्चा था। 70s से भी पहले, हाँ 70s 60s में। अच्छा 60s में। अच्छा ये 70s का है। ये जो इसमें कहीं लिखा नहीं था क्या जब बनाया था? कुछ तो लिखा होगा। स्वागतम धर्मदत्त ब्रह्मभट्ट भवन संसन, क्या लिखा है? वो पेंट में निकल गया क्योंकि उसमें धर्मदत्त हमारे वो थे ना, मतलब ग्रैंड, मतलब आपके ग्रैंडफादर, तो हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर, और उनके भी ऊपर कोई बताया था हर नारायण, हाँ, तो अब उन्हीं की कहानी बताए थे धर्मदत्त की, वह जो कि बहुत वो थे, वो कुछ भी बोल देते थे, मतलब एकदम स्ट्रेट, हाँ बोलने के लिए। Thank you.
फर्स्ट कंस्ट्रक्शन सबसे पहले ये वाला यस यस फर्स्ट कंस्ट्रक्शन परमानेंट ये दिस वन ये तो लेटेस्ट में मॉडिफाई किया गया था ये एडिशनल दीवार है ये बेसिक ये पहले ये सबसे पहले बेसिकली ये थी ये बाद में लगी ये लगी रेनोवेट हुई है 80s में अच्छा आपने देखा हो मतलब आप बड़े छोटे रहे हो अच्छा अंदर में तो कोई नहीं अंदर तो बेसिकली अच्छा अच्छा बेसिकली ये तो बाद में बना था नहीं नहीं यहाँ तक जैसे ये पूरा बेसिकली ये बेसिक बेसिक ये नया ये बेसिक ये 80s का ये तो यहाँ पे तो नहाते थे यहाँ तो नहाने का ये बाथरूम अलग था पहले ये नल था यहाँ नल था ये नल था ये बाद में हुआ है ये नल था ये बाद में हुआ है ये बाथरूम बाद में बनी है यहाँ तो अभी हुआ है यहाँ तो भैंसे बनती थी 2000 का ये नया ये जो कंस्ट्रक्शन है 2000 का है अच्छा 2000 अम्मा के बाद नहीं यहाँ पे क्या था फिर 2001 तक आधा बाद में अम्मा के सामने आधा था ये खुला था ऊपर ये तो था ही नहीं हाँ ये दीवार यहाँ तक ये हिस्सा आधा अम्मा के सामने था अम्मा पिताजी सामने है ना अम्मा पिताजी के बाद ये हमने पूरा ये नया कंस्ट्रक्शन है ये अम्मा के बाद बनी हाँ किचन थोड़ी थी यहाँ यहाँ चूल्हा था यहाँ नीचे ऐसे ऊपर जाते थे चढ़ते थे इसके ऊपर चढ़ते थे ये नीचे था और ये किचन पहले थी अम्मा के सामने ये सब खाली था कच्चा यहाँ हाफ खाली यहाँ से खुल के फिर वहाँ गेट का इधर के बाग वहाँ खाली अम्मा के सामने किचन हाँ क्योंकि मुझे याद है यहाँ तो पूरा वो मतलब कच्चा था मिट्टी का हम जाते थे कूदते थे इधर और यहाँ पे वो चूल्हा रहता था और ये कमरे जो है ये 30 के अच्छा तो फिर पहले कहाँ सोया करते थे कहाँ घर कच्चे थे एक कमरा यहाँ था कच्चा अच्छा एक बहुत बड़ा कमरा एक कमरा जैसे कोठा बोलते थे ये अच्छा। यहाँ था आगे छप्पर था अच्छा अच्छा यहाँ तक तो ठीक है यहाँ से यहाँ एक छप्पर था और यहाँ फिर कुछ दिनों बाद एक कमरा यहाँ बना था इतवारी ने ये दीवार बगैर पाड़ दी अच्छा वो जो राज था मिस्त्री था उसने हमारे पिताजी बाबा बताते थे और ये लहरी के लहरी ने लहरी तिवारी ने तो लोग कौन यही पे चलते रहे ये चिंते रहे वही पे चिंते रहे चलते इतना बड़ा बैलेंस उन्होंने बाहर से सूत लगा नहीं देखा उसी पे चिन लेना इधर से चिन के ले जाना फिर इधर से चिन के ले आना ऐसे कहते इसको बगैर पाड़ के दीवार चिन दी थी ऊंचा नीचे ना जो है ऊंचे नीचे देखो वहां भी वहां झील है ऐसे तो आए ये थोड़ा सा हल्का सूत में नहीं थी बस वैसे चिन दी पाड़ का जुआड़ ना हो पाड़ का जुआड़ ना हो ये ईट नई चीज जब भाई जब अब तो शटरिंग भी है चीज तो ये ना कि हमारे जो पिछले कोट हुआ ना वो 105 रुपए 1000 में राज तो ये सीढ़ियां ऐसी थी ये वाला ये बाद में बना ना ये नहीं ये ऊपर जो पड़े हैं ये बेसिक है इसके साथ अच्छा 60s ये नहीं था ये तो बहुत नहीं था ये तो अभी ये तो बहुत नया है 2012 हाँ ये तो बिल्कुल नया है मैंने अभी करवाया जब खराब हो गया तब मैंने करवाया ये किवार भी गई तो ये था यहाँ एक किवार थी वो हटवाई यहाँ से ये जो पत्थर है ना ये आर्कियोलॉजिकल मानिए से ये इतना पुराना है ये 50s का है 50s का पत्थर 50s का है ये सबसे पुराना पत्थर बहुत बड़ा ये सबसे पुराना पत्थर है तभी गला हुआ बाबा के समय से जब टूटेगा तो उसमें कुछ सामान हम लेके जाएंगे ये सब पत्थर लेके रख ले या कुछ उसमें कुछ एक आर्कियोलॉजिकल जैसे म्यूजियम हाँ अपना बनाना चाहिए 5th century 60s 70s होना चाहिए इधर ये तो पहले पेंट वेंट भी नहीं था मुझे याद है ये तुम्हारी दादी लाई चीज है ये स्टैंक की है हां ये सब गेमिंग स्टॉक ये तो हमारी नहीं है ये हमारी चक्की यहीं पे तो करती थी वो चक्की यहाँ पे चलाती हाँ 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 ये यहाँ चक्की पीछे हाँ ये अंदर
चक्की अंदर है रखी, ये तो जो वही है, यहाँ पहले उपले रहते थे, आज भी उपले, आज भी उपले, कंडा पहले भी थे, आज भी कंडा ही। और दो जगह यहाँ बहुत मेन है, दो जगह बहुत ज्यादा, ये नोट करो, ये वो जगह है जहाँ बाबा बैठ के पिताजी ने अंतिम सांस ली। अच्छा, दिस अच्छा, ये यहाँ पे बेड लगा हुआ था ऐसे, और ये उनके साथ थे, ये उनके साथ थे, जैसे पिताजी खत्म हुए ये साथ थे, मैं जीवर था, तो मुझे बुलाने जीवर मास्टर जी गए, तो ये कभी ना भूलने वाली बात है कि चाहे साइकिल लेके वहां तक गए, बस का इंतजार नहीं किया, मुझे बुला, मैं जीवर काम कर रहा था डॉक्टर, तो वहां से मुझे लेकर लाए यहाँ पिताजी ले गए, और माता जी यहाँ खत्म, ये माता जी की जगह है, यहाँ माता जी, ये वो जगह है, ये पिताजी यहाँ पे पहले कुछ तो एक वो लगा हुआ था सिंगापुर या कहीं का, तो मलेशिया का वो लेके आए थे शायद, ताऊजी सबसे बड़े वाले ताऊजी, वो वहाँ पे लटका के रखा था, यहाँ ढिबरी जल की जीत होती है, ये ढिबरी का तेल है, चरखा कहाँ है, अच्छा वो चरखा, वो मैं देखा नहीं, मुझे तो याद नहीं कब चरखा चलाते थे, पर ये बचा लेना ये सारी चीजें, हाँ ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये म्यूजियम के लिए है, हमें रखना आप ऊपर इस वाले कमरे में, ये जो थे हैं ये 60s के बारे हैं, ये बाद में चेंज होती है कि वहां से वहां आती है, लेकिन 60s में ही मेरे ड्रेस में चेंज करके लगवा दी, ये हटवाई नहीं है, लगवाई ड्रेस में, ये कमरा मुझे हमेशा से ज्यादा अंधेरा ही रहता था यहाँ पे सबसे ज्यादा, जनरली कॉर्नर में है, हाँ कॉर्नर में है, इधर ही एक ही रोशनदान था, यहाँ एक बेड था, इधर एक बेड था, ये ग्रैंडफादर के बेड, अच्छा ये मेथ जो है, अच्छा ये उनके हैं, उनके बाबा के, अच्छा आपके बाबा के, हमारे के, हम मतलब, और देखो एक चीज और इसमें विशेष है, वो दुकान का लाइट ही नहीं है इधर, ये जो बक्सा है ना ये, हाँ ये हमारे पिताजी के भी बाबा का है, कौन सा ये वाला बक्सा, हमारे पिताजी के बाबा का, अच्छा तो इसमें क्या क्या है, बर्तन है फिलहाल, तो बर्तन, अच्छा और ये अटैची अटैची है जो भाई साहब ने पहले अपने साथ फर्स्ट या सेकंड सैलरी में खरीदी पिताजी को दी लाके, अच्छा ताऊजी ने अपने, अच्छा 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 अच्छा, ये वाली जो है लेदर वाली, कान पे मिलती थी मसीजी, हां लालटेन देखो उसे लाजी टूट गई, लालटेन ये लालटेन भी कब की तो होगी, ये माता की जमाने की, ये माता जी की जमाने की, इस तरह की मसालदानी नहीं मिलेगी, इस तरह की मसालदानी अब कहां मिलेगी, लकड़ी की है, इस तरह का मसाला कितना बढ़िया है, इसमें मैं यहाँ से कुछ लेके जा सकता हूँ क्या, हाँ जो तुम्हें लगे, अच्छा मुझे ये वो है अचार के लिए, अचार इसमें डलते थे, ये अचार किया है इमाम, इसमें तो धान, हाँ सब लोग ले जा रहे हैं, दो दो किलो धान रखी है, ये तो आपका फोटो है, ये हमारी सगाई वाला फोटो है, ये शीशा भी बहुत पुराना लग रहा है, और ये अभी भी है इसमें माता जी के जमाने की सुई धागे हैं, इसमें सुई धागे रखा करती थी माता जी, मुझे सुई भी है, ओ बाप रे, तो ये बचा के रखो, ये देखो सिंग, ये इसी सुई से किए होंगे उन्होंने, हाँ इसी सुई से काम किया उन्होंने, जंग लग गई पूरी, जंग लग गई पूरी, ये सुई है, ये सारा सामान बचा लेना कुछ, चूल्हा वूल्हा, तो आपका सर्टिफिकेट है 1953, ये ढोलक भी अपनी है, वो चूल्हा ऊपर, ये स्टोव, स्टोव ये अपनी वाली किताब का एक वो है ना कॉपी, हाँ एक कॉपी, बाकी कॉपी किताब में रखी है, एक कॉपी मुझे दे देना, परसों लेके ले लूंगा, नल रखा हुआ है, टूट गया ना, हाँ यही तो था, हाँ। नल लगा हुआ था, वैसे बंदरों ने तोड़ दिया, बंदरों जलाते थे, अच्छा नीचे से तोड़ दिया उन्होंने, ये खाटी इतनी पुरानी मुझे याद है, ये खाट पड़ी हुई थी, उधर पड़ी रहती थी, एक कोना खाली है, ये दीवार टूट गई, अब दीवार तो नहीं, उधर पर तो ये खाली फ्रेम फ्रेम ये सबसे पहला बिजली का स्विच, ये हमारे इसका घर का, घर का सबसे पहला बिजली का स्विच, कब लगा था ये, लगा 90 88 88 88
88 में मैं जब पैदा हुआ था तब। अच्छा हाँ, तभी लगाया तुझे, तभी लगा है, तभी लगा है हमने ये, तब से अभी लगा है, ठोक दिए पैसे वाले चूहों में। अच्छा तो अभी तक चुका हुआ है। और ये बोर्ड बना कर लाए, ये प्रकाशन आए थे मेलानी से। मुझे याद है, मुझे याद है, ये यहाँ पे खाट रहती थी। यहाँ पे एक वो पेंटिंग इधर थी कि वो जो बनाई हुई थी, यहाँ थी वो, यहाँ पे थी, यहाँ थी, बात पता ही होगी ना माता जी यहाँ पेंटिंग थी। ये जमीन, ये तो वैसा ही है फ्लोर, ये कब का फ्लोर होगा ये जब पकड़ रहा है टीज में, ये तो मैंने क्योंकि हमेशा से देखा है। ये सब सामान ये रखा हुआ है, ये ओम भी मैंने हमेशा से देखा यहाँ पे। हाँ, माता जी का है। पुराने पुराने ये तो आपका फोटो है। ये पता है कब का है? ये मेरे भाई साहब की सगाई के तुरंत बाद। अच्छा, ये सोफा जो है मेरे भाई साहब की शादी में सगाई में, तो ये यहीं पे खींचा हुआ है। ये भी तभी का लगा हुआ है? स्विच तभी नहीं, ये बाद का है। अच्छा, ये मैंने लगाया अभी बाद में। अच्छा, तो ये कहाँ इधर? माता जी ये कहाँ का है? नगरपुर से बोलते हैं कांगड़ा, ज्वाला कुल कांगड़ा जो है, ज्वाला जी, नीचे नदी जो है। हाँ, निकाल के इसका ध्यान से, ध्यान से जो ये हमारे नाना है हमारे नाना, हमारी नानी, नाना जी, नाना जी। अच्छा, ये जो रवि मामा खत्म हो गए उनकी बिजनेस, और जो व्हाट्सएप पर थी मीनू, वो है ये छोटू और कालू। तो ये कहाँ पे, ये कहाँ का जगह है? अजमेर, अजमेर में नहीं, अजमेर घर का फोटो। ये फोटो तो बहुत बात का है ना, या फोटो भी तभी का है? ये तो बहुत बात का, ये पहला है, ये बात का फोटो लगा दीजिए। नहीं, लेकिन ये जो 1957 का ही है, 87, सॉरी, ये तो वो है ना, बर्थडे होगा ना 87 का, ऑन दिस 23rd डिग्री का। हाँ, 87 का है, 87 ये पंखा तो बात का है, सब पंखा तो मैंने देखा है। यहाँ पे कुछ तो यहाँ पे भी लटका रहता था जो एक, वो मुझे याद हुई। अरे, एक रेडियो यहीं रखा रहता था। यहाँ पे ये जो है, पहले ये वो था, यहाँ पे पेंटेड था, ये पहले हरा था, ये दोनों तोते, दोनों तोते थे, और ये बीच में ऑरेंज है, कुछ रहते थे ना, राजस्थान को सजा के रखते थे, यहाँ टीवी रखते थे। हाँ, वो टीवी किसकी शादी में है ना, वो टीवी ध्यान लगा था जो वो ऐसे खोलते थे हम उसको, ऐसे हाँ, खरीद लाए। चलो छत पे चलते हैं। छत पे भी ये सब नहीं था ना, ये हाँ मुझे याद है, इतना था बस छत, ये नहीं था, ये बात का है। हाँ, ये बात का, वो बात का, किसी बात की, बल्कि यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए एक बस वो थी, उस पे हम चढ़ के यहाँ कूद के कूद के जाते थे। यहाँ पे तो सब सीपी खेले और सब खेले हैं, सोया करते थे ना इधर उस टाइम पे, आपकी शादी के टाइम पे, और सब पूरे बांटने गए हैं, जा रहे हैं बच्चे पूरे।
पुए बट रहे ये इसमें पहले बोलते थे कि पहले वो थी ना ये शायद कच्ची सी थी, हाँ तो हम हाँ वो मिट्टी थी इस पे, हाँ हाँ बोलते थे इधर मत जाओ गिर जाएगी हल्की हल्की हो जाएगी, तो हम इसके ऊपर चढ़ चढ़ के ऐसे जाते थे छुप छुप के यहाँ पे क्रिकेट विकेट खेले। ये कुत्तों को रोकने के लिए जैसे हाँ वो चिपका है अब इन लोगों ने अपने आप अपने रास्ते बनाया है। ये भी तभी का पड़ा हुआ है ना ये वाला, हाँ ये पत्थर भी वही है वो वाला जो नीचे वाला, उनका कोई कुछ फोटो कुछ हाँ मैं देखे भी नहीं, मैंने शायद नहीं देखे कभी आज तक उनका, तो कब का खींचा हुआ होगा मतलब। अच्छा वो तो लेकिन वो आर्य समाज ही नहीं थे ना। अच्छा अच्छा उनके फादर भी अकबर थे, लेकिन आर्य समाज इतना पुराना थोड़ी था मतलब। दयानंद जी कब के, दयानंद जी 1908 में शायद उनकी डेथ, हाँ 1908 में हुई है तो मतलब पीढ़ियां तो 30 सालों लग जाती है ना।